ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଠି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବା ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି। ଆମ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେବେ ଆମେ ବି ଯିବା, ମୋ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ। ଯେ କନ୍ୟା ସେ ରତ୍ନ, କେତେବେଳେ ସେ ସୁନାଠୁ ବି ଚମକ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଲୁହାଠୁ ବି ଶକ୍ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିଠୁ ତେଜିଆନ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପବନ ଭଳି କ୍ଷିପ୍ର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଜଳବାୟୁ ପରି ନମ୍ର। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ଉପହାରର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଯଦି ଏ ସମାଜ କହିବ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ତାହେଲେ ଏକ କୁଚ୍ଛିତ ମାନସିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନାରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ଆଗରେ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଇତିହାସ କହେ, ପୁରାଣ କହେ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବ। କାରଣ ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାଓ ଦମନ କରିବାରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ତେବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି ମାଓ ଦମନ କରିବାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସେଇ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିବା। ମୋ ସହିତ DSP ଆଶାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ଟିମ୍ କେମିତି କାମ କରେ, ଏ ଟିମ୍ କେମିତି ମାଓ ହଟେଇବାରେ ପୁରାପୁରି ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହେ ଇସକୋ କେସେ ବନାଏ, ଇସକେ ବାରେ ମେ ଥୋଡ଼ା ହମକୋ ବତାଇଏ, କେସେ କ୍ୟା ହୁଆ ହେ ଏ ଟିମ୍। जैसा आप देख रहे हैं पूरे भारत में आज महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई जी का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, तो हम दंतेश्वरी माई की जी के नाम पे दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन हुआ है। ये मई 2019 में गठन हुआ है। ये महिला DRG की टीम है। महिला DRG की टीम पुरुषों DRG की टीम के साथ लगातार नक्सल क्षेत्र में जंगलों में गश्त कर रही हैं। गश्त के दौरान ये जैसा रात रुकना होता है, एक हम प्रॉपर एक LOP लेते हैं, उसमें फिर प्रॉपर जाते हैं। पुरुषों के साथ जो पुरुष करते हैं वही ये भी कर रहे हैं, जो पुरुष नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं दंतेश्वरी फाइटर्स भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रही हैं। चाहे अब उसमें हमें अगर हम किसी गाँव से होकर गुजरते हैं, तो पहले क्या होता था कि गाँव वाले जो है हमारे नज़दीक नहीं आते थे, एक विश्वास जो है विश्वास की कमी दिखती थी। आज महिला DRG साथ में जा रही हैं तो गांव वालों के विश्वास में वो बढ़ोतरी हुई है। अब गांव वाले विश्वास करके हमें अपनी समस्याएं बताते हैं, जिनका अगर तुरंत वहां पे हल कर सकते हैं हम तो तुरंत वहां पे हल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सैनिटाइजेशन के बारे में बताते हैं। साथ में हमारे पास अगर कुछ खाने का हो तो उनको उपलब्ध कराते हैं, उनकी हर तरीके से सहायता करते हैं। अगर वहाँ पर उनको कुछ सहायता उपलब्ध ना हो पाए तो हम जिला मुख्यालय आकर उसको बताते हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स नक्सल गश्त सर्चिंग में जाती हैं, गश्त के दौरान अगर आपको जो भी ऑब्स्टिकल पार करने हों सारे ड्रिल का उपयोग करती हैं। जैसे अगर नदी पार करना हो, प्रॉपर एक उसका रिवर क्रॉसिंग ड्रिल होता है, हर तरह का ये ट्रेनिंग कर चुकी हुई हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। आगे क्या करती हैं ये तो ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आप कैसे काम करते हैं, फाइट कैसे करते हैं। चलिए व्रत करना सावधान। जय हिंद। जय हिंद। आज 22 उपस्थित है, 6 ड्यूटी पे है मैम, महिला सुरक्षा में 3 अवकाश पे है मैम, 2 सिक पे है मैम, बाकी गश्त पे है। ठीक। जय हिंद। जय हिंद। कमांडर PT के लिए कूच कर।
मैडम ऐसे सुबह उठ के मतलब क्या क्या एक्सरसाइज होता है, मतलब एक्सरसाइज का भी नाम होता है, क्या क्या एक्सरसाइज होता है और ये सब एक्सरसाइज मतलब क्या कौन से क्या क्या काम में आता है, क्या आता है सब? सबसे पहले तो इनका रनिंग है, वह एक बॉडी वार्म अप होता है स्ट्रेचिंग के बाद। उसके बाद इसके एक्सरसाइज अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे पुशअप हो गया, सिट अप हो गया और भी एक्सरसाइज इन लोग साथ में करते हैं। ये रोज एक घंटे इंक्लूड रहता है रनिंग के साथ। कभी पीटी हो जाता है, कभी मेडिटेशन के लिए योगा करते हैं और कभी कुछ रनिंग वगैरह कुछ कंपटीशन करा लेते हैं कुछ कुछ ग्रुप के बीच में, तो एक लय बना रहता है। तेबे प्रत्येक दिन ये जो टीम अच्छा महिला टीम एम को दिन एक्सरसाइज करती, कोई दिन मेडिटेशन करती, कोई दिन रनिंग करती, तो प्रत्येक दिन तर सब बड़ कथा प्रत्येक दिन एम सबुदिन गोटे गोटे घंटा आसिकी फिल्ड में यही पड़िया एक्सरसाइज करती आउ दमन करिवारे ए सब एक्सरसाइज जो रही है बॉडी को फिटनेस जगाई थाए। ये जो सब वर्कआउट कर मत भी इच्छा होमती कौन एम वर्कआउट करमती कम कर सामिल हो जाए वर्कआउट रे। वर्कआउट देखने लगुच प्रत्येक दिन ये केमी करती माओ दमन करने जाती फायरिंग करने जाती ए सबू एक्सरसाइज प्रत्येक दिन निहाती जरूरी सतरे मुझे किसी भी मुहूर्त करुच्छे मत फिल हो किमती प्रत्येक दिन या करती वैसे मैम हम सुने हैं कि जैसे जो लोग आर्मी में काम करते हैं या फोर्सेस में काम करते हैं अलग अलग वैरायटी स्टाइल के चलते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल डे टू डे में जैसे चलते हैं उससे कुछ अलग अलग स्टाइल के चलते हैं, और क्यों ये सब जो चाल होती है वो क्यों होता है, किसी लिए होता है, क्या होता है? सपोज़ हमारे सामने अगर हम किसी को दुश्मन है तो हम क्या कैमोफ्लेज होके चलते हैं। हाँ। हमारी इतनी हाइट इतनी छोटी रहनी चाहिए कि सामने वाले को नज़र ना आए। आपको हम डड्डू चाल, बतख चाल और एक थोड़ा सा फनी है जो है लोग खुश होके करते हैं हनुमान चाल, तो वो हम आपको दिखाते हैं। अपन मैंने समस्त सुनी थी सिपाही मैंने वैरायटी स्टाइल रो चाली चलती वैरायटी स्टाइल रो रनिंग करती, तेरे चलो तो से चाली रनिंग सब जिनस को आम एठी देखिबा। घर से दुश्मन आ रहा है सामने से, तो देख लो कि दुश्मन आ रहा है, ये अपन तो जा रहे हैं यही चलेंगे। तो मैम ये चाल क्यों चलते हैं, वैसे क्यों चलते हैं, किस लिए चलते हैं और ये चाल जो अलग अलग है क्या क्या नाम है और किस लिए चलते हैं? इसमें अभी तो खैर ये खाली हाथ है, इसमें एक हाथ में राइफल रहता है, तो आप ये प्रॉपर आप राइफल को छुपा के और एक चल सकते हैं ताकि दुश्मन की नज़र से बचे रहें। बहुत चाली अच्छी केते बेले बतक चाली अच्छी तो आउ केते बेले कुंभीर किभली भावरे तळे रंगी रंगी जाय थाए तार भी चाली अच्छी, ए सब चाली सेमानकर लाइफ को सेफ करी थाए। तो मैम ये तो चाल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग हर टाइम जंगल में रहते हैं, दौड़ भाग होती है, जब थकान होते हैं ये थकान जो होते हैं इसको कैसे मिटाते कैसे है? इसके लिए हनुमान चाल कराते हैं। तो देखते हैं फिर ये हनुमान चाल क्या होता है। हां हां दिखाइए फिर। अच्छा कूद के हो जाना है तो ऐसे चलते हैं ये। हाँ ये आपको बन जाएगा। ये जो भी था ये इनका मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग सेशन था, इनके बाद की जो कार्रवाई है तो इसके लिए हम इनको तैयार होने के लिए टाइम देते हैं, तो अभी इनका ब्रेक टाइम है। तो यहाँ से वो लोग कहाँ से फिर जाते हैं? यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। हाँ। प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम में, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में। हाँ। उसके बाद रेडी होंगे फिर आगे के लिए जाएंगे। हम कहाँ पे जाएंगे? जंगल पे। जंगल तो एटा थिला तांकर मॉर्निंग सेशन, आ मॉर्निंग सेशन पर तांको किसी समय दिया जाए गोटे प्रॉपर यूनिफॉर्म रे आसे कि एमाने एठू सीधा सड़क बाबरे जंगल को जाई थांती माओ दमन करिवारे।
आप सभी दंतेश्वरी फाइटर्स का हिस्सा हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे 15 से 20 माओवादियों का उपस्थिति मिली है, जो गांव वालों को परेशान करने के लिए, गांव पे अपना दबाव बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें उनके इरादे को सफल नहीं होने देना है। सभी अपने तैयार हैं एम्बुश के लिए? एक फाइल। चलो एबे एक सूचना आसी कि पहुंची दंतेश्वरी टीम पाखरे कि पाखरे थिबा गोटे गाँव में माओवादी मानकर अटैक होइछि, माओवादी मानकर चलप्रचल रहिछि एवं केमती तांको पाखरे खबर पहुंची आपण मन तो देखि सारिथिबे। एबे केमती ऑपरेशन करिवे, केमती काम करिवे, एति पई एक ब्लूप्रिंट मध्ये से माने प्रस्तुत करिछंती, चलंतु देखिबा। आत्मसमर्पण पाई माओवादी मानंकु डाकरा दिया जाउछि, कारण फायरिंग हेबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे चांस दिया जाए। आपण देखुथिबे सेही चित्र, आउ वर्तमान माओवादी माने फायरिंग करिबा मध्ये आरंभ कर देथिले बोली जहाँ सूचना मिलिछि। आपण देखुथिबे सेही चित्र किभळी भाबरे ऑपरेशन हुए, जो दंतेश्वरी टीम रहिछि केमिति ऑपरेशन करे, केमिति माओवादी मानंकु काबुरे आणे, आउ सबुठारु बड़ कथा हला प्रथमे से माने आत्मसमर्पण पाई डाकुछन्ति। बर्तमान समस्ते एम्बुश पोजिशन रे अछंती, माओवादी ऊपर पटु जेतेबेले आसुचंती ताकु दमन करिवा पई ए पोजिशन निया जाए। आम सहित डीएसपी अछंती। मैडम, ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों ये पोजिशन लेते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमको सूचना मिली थी कि नक्सली यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो हम उनके लिए एक ट्रैप बनाए हैं कि अपन पहाड़ी को पूरे साइड से घेर चुके हैं। एक उनके आने के साइड वाला जगह छूटा हुआ है, तो वो जहाँ से आएंगे जैसे ही हमको मिलते हैं, हम यहाँ से कमांड देंगे, वो फायर करेंगे उन पे। जी, पहले उनको पे आह्वान करेंगे उनको कि आप सरेंडर हो जाएं करके। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, वो उनकी तरफ से अगर फायर आता है, तो अपन को आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग करनी होती है। मैम, आत्मसमर्पण क्या मतलब, कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? अब तो फायरिंग भी मतलब शुरू हो जाएगा, तो क्या क्यों करवाते हैं? अभी जैसे ही हमें नक्सली दिखते हैं, हम उनसे आह्वान करते हैं कि आप सरेंडर हो जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको समाज की मुख्य धारा में एक मौका देंगे जुड़ने का। तो कैसे करवाते हैं हमें? वो पहले हम उनको बोलने की कोशिश करते, बुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं मानते, क्योंकि उनकी विचारधारा ही कुछ अलग बनी हुई है। अब हम उनको बोलेंगे एक बार कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर उनके तरफ से जवाबी कार्रवाई में अगर गोली की आवाज़ सुनाई दे, तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए राइफल चलाना पड़ेगा। बड़े कैडर होने की सूचना है, कवर कीजिए पूरा पीछे से, सामने की लाइन फायर करते रहे। सामने की लाइन जवाबी कार्रवाई देते रहे।
कैरी ऑन कैरी ऑन झिलकी, कैरी ऑन कैरी ऑन। यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ ये कैसे हुआ और कैसे ये मिला, कैसे क्या ऑपरेशन क्या था ये? हम लोग गश्त के लिए निकले थे, टेकरी पे ऊपर चढ़े हुए थे। मायावादी ने देख लिया था कि पुलिस फोर्स ऊपर चढ़ी हुई है, उनको पता था कि इसी रास्ते से वो वापस आएंगे, इसलिए यहाँ पे आईडी प्लांट कर दिया और हमारे फोर्स को देख के उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया। बट हम लोग HHMD रखे हुए थे जिसमें हमने डिटेक्ट कर लिया था, तो फिर हम सिक्योर हो गए, सेफ हो गए और दाएं बाएं पोजीशन लेके सिक्योर थे। तो जैसे ब्लास्ट हुआ तो हमारे बल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अपन मैंने देखी पारू थे जो ब्लास्टिंग है तार सिनेरियो कौन रही केमती रही, अपन से ताजा चित्र देखुवे कि भाव में जो माओवादी सहित ऑपरेशन हुए जो टीम कम कैर केमी कम करते डिटेक्ट होता ये बम रही जो डिटेक्ट होता ये हूँ सेठिकार ताजा चित्र। किसी समय पूर्व ये विस्फोरण घटाला, तो मैम इतना जो ये सब होता है जो ऑपरेशन के टाइम में कितने बार ऐसे मिल जाता है, मतलब जो ब्लास्टिंग होता है ये सब कितने बार हो जाता है? मतलब ये लगभग हर ऑपरेशन में हम जाते हैं तो माओवादी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इसी तरीके से उपयोग करते हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा हमको चोट इसी से मिलती है, आईडी से, तो वो आईडी लगा के रखते हैं जो भी हमारे जाने वाले रास्ते हैं ताकि उस पर आके वो ट्रैप हो सके पुलिस फोर्स। तो देखु थे कि भाव में माओवादी मैंने जो करती ट्रैप करती कि भाव में जवान मानक चेक दिखती, किंतु ये सब भितर भी जो रही महिला दंतेश्वरी टीम रही कि भाव में सब जिनस को चेक करपरेसन को से चला केवल जे जंगल में सब जीवन काटि था 24 घंटा भितर जदि कह जितेबाला ऑपरेशन से आती दिन दिन यही जंगल भितर ये घंच अरण्य भितर रही था, किंतु एसब भितर भी खाइबा हुए एवं जहाँ भी किसी मिले से माने खाई था। तो आप देखुवे कि भाव से माने खाऊंट निजर जीवन बिताऊंटे जो जहाँ भी खाइबा खाई था ये ही खाई था ये जंगल भितर ही खाई था, कारण जिते ऑपरेशन आसता भी जाना नए केते दिन धरिके मैंने ये रे केते दिन धरिके मैंने ये निजर जीवन बीतेबे। मैम जब ऑपरेशन के लिए आते हैं खाना इस प्रकार से खाते हैं? जी मैम बहुत टिफ़िन नहीं लाते मैम कभी, क्या है इसमें हम लोग झिल्ली भी पैक करके आते हैं, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खाना बासी चावल रखे रहते हैं, उसी को हम लोग सब्जी तो ख़राब हो जाती है तो हम लोग अचार रखे रहते हैं, अचार और कुछ चटनी रखे रहते हैं मैम और नमक प्रॉपरली झिल्ली में लेके आते हैं और इसी तरह से हम लोग खाते हैं। इमाने एमित ही खाइबा खाई थांती और जंगल भितरे खाई थांती जत्ते बेले आपण माने घरे बसी आराम से खाई थांती एमाने एभली भाबरे जंगल भितरे बसी खाई थांती आमे भी खाइबा तांको सहित, कारण आमे भी तांको सहित ऑपरेशन रे पूरा शामिल हे कि अछु, पूरा टीम एठी अछि हमरो, तो आमे भी खाइबा केमती तांकर खाइबा केमती तांकर शैली, आमे भी पूरा दिन तो तांको संगे सब जीवन रही न पारले भी जो किछि समय पई रहउछे आमे तांको रहिकि रहिबा। बंचिबार अच्छी तो खाद्य निहाती दरकार से जेकोसी अवस्था हो जंगल हो कि घरे हो से एमती ही खाइबा खाई था। एबे ऑपरेशन सरी सारी आने समस्ते निज निजर घर को फेरुंट, तो ऑपरेशन पूरा पूरी सक्सेसफुल रही कि भाव में कराए ऑपरेशन केमती कराए आप सब चित्र देखुले आमर अर्गस न्यूज माध्यम रे।
सर नमस्ते। अच्छा लगा मिलके इन लोगों से कि कैसे मतलब काम करते हैं नक्सलियों में। एक ही टीम है पूरा इंडिया में, एक ही टीम है दंतेश्वरी फाइटर, जो मतलब माओ दमन के लिए जो बोलते हैं ना काम कर रहे हैं। तो हमको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है इन लोगों के साथ मिलके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर ये जो टीम ऐसे कैसे उनको बनाया कैसे गया, क्योंकि और ये सोच माइंड में कैसे क्यों आया कि मन में कि महिलाओं को लेके हम बनाएंगे? 2016 और 17 में छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा में लगातार पुलिस के ऊपर ह्यूमन राइट एब्यूज़ की शिकायतें आई, मेनली वीमेन रिलेटेड, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ बलात्कार। इसमें कोई भी कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं होता था, दोनों के अपने साइड्स होते थे। दूसरी बात यह आई कि ज़्यादातर पुरुष सरेंडर करते थे, महिला नक्सली सरेंडर नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि पुलिस फोर्स में केवल पुरुष भर्ती हो सकते हैं। तीसरी बात यह था कि महिलाओं को में रहने से जो हमारा सिविक एक्शन होता है वो महिलाओं के साथ मेल जोल बढ़ा सकती हैं, दवाइयाँ दे सकती हैं, दूर दर्द जान सकती हैं, इससे हमारी आसूचना भी इम्प्रूव होती है और हमारी पकड़ भी इम्प्रूव होती है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि महिला कमांडो की आराध्य देवी हैं माँ दंतेश्वरी, उनके नाम पे दंतेश्वरी फाइटर्स नाम से हम लोग महिला कमांडोज बनाए। शुरू में 20 महिलाएं आईं, उसके बाद 10 कमांडोज और जुड़ी, 30 हुआ। अभी हमारे पास 60 महिला कमांडोज हैं, इनमें महिला DSP अधिकारी भी हैं जो उसको लीड करती हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पूरे देश में हमारा अकेला फोर्स है पूरी दुनिया में जो कि इंसर्जेंसी में पुरुष के साथ हाथ में हाथ मिला के ये लोग काम करते हैं। एक दिन का ऑपरेशन हो, दो दिन का हो, तीन दिन का हो, रात का हो, ID निकालना हो, फायरिंग हो, एम्बुश हो, सिविक एक्शन हो, अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खोलना हो, इन्हीं महिला कमांडोज के बदौलत हम लोगों ने जो है 8-9 अति संवेदनशील क्षेत्र में कैंप खोला है, ग्रामीणों का विश्वास जीत पाए हैं और दंतेवाड़ा नक्सल मुक्ति की ओर जा रहा है। इसमें महिला कमांडोज का एक अहम योगदान। सर और एक बात, जैसे भी महिलाओं को इस टीम में जैसे लाए और माँ दंतेश्वरी के नाम पे ये जो ग्रुप है उसको बनाया गया, कभी ऐसे मन में सोच में नहीं आया कि इसमें पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकते, ऐसा मन में कभी सोच में आया है क्या? बिल्कुल ये सोच नहीं आई, क्योंकि जो नक्सली संगठन है उसमें 50% महिलाएं हैं। यदि नक्सली महिलाएं हो सकती हैं तो नक्सली से लड़ने के लिए भी महिला फोर्स हो सकता है, क्योंकि ये कमांडोज हैं, पुरुष कर्मी भी कभी कभी शहीद होते हैं, उनको नुकसान होता है, महिला कर्मियों को भी हो सकता है। ये हर मामले में पुरुष कमांडोज से बराबर हैं और इनको बराबरी का दर्जा मिला है। और सर जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम में क्या वैसे मन में रहता है कि काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जैसे पहले जब ये जो टीम बनाया गया तब मन में ऐसे सोच आया कि कैसे काम करेंगे, एक ऑपरेशन को कैसे सक्सेस करके आएंगे, ऐसा कभी मन में आया कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ आया कभी? ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं आया, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्रेव लड़कियाँ हैं, इसमें कुछ सरेंडर कार्डर हैं, कुछ जो है लोकल लड़कियाँ हैं, लोकल लैंग्वेज जानती हैं, लोकल टेरेन जानती हैं, DSP अधिकारियों द्वारा इनको कमांड किया जाता है, इनको अच्छी ट्रेनिंग कराई गई है, कांकेर से मिजोरम से ट्रेनिंग करके आई हैं। ये हर मामले में पुरुष के बराबर हैं और इसका रिजल्ट भी पिछले 2 साल में दिख रहा है कि इन्होंने करीब 40,000 माओवादियों को मार गिराया है पिछले 2 वर्षों में। सुनुले SP सर को कथा से भी तांकर गोटिए कथा, ए जो महिला टीम अछंती एमाने पुरुषों को मात दे पारुछंती। सर आपसे मिलके बहुत मतलब खुश लगा हमें कि आपका इतना मूल्यवान समय जो था आपको हमके दे, और ये जो टीम है टीम को देख के हम भी इंस्पायर हो रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सब अपने अपने एक महिला का एक टीम बनाएं और पूरा देश माओवादी मुक्त हो, माओइस्ट मुक्त हो, हम यही सोचेंगे। सर ये हमारे तरफ से एक छोटा सा वेट है और हमारे अर्गस न्यूज़ के तरफ से इतना मूल्यवान समय दिए आप हमारे साथ मिले। ये जगन्नाथ जी हैं उड़ीसा के, हमारे जो पुरोधा हैं, हमको जो बनाए हैं वही हैं। एमानंकर भी घर परिवार रही, तेबे किभली भाव में तांकर व्यक्तिगत जीवन से माने बंचाई थांती, घरे किभली भाव में चली थांती, ए सब विषय टिके टिके आलोचना करिबा। आम सहित मैडम अछंती कथा हबा। मैम पहले तो हम जय हिंद से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एंथम ही है कि जय हिंद हम बोलेंगे ही बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद। तो मैम पहले तो मैं जंगल में तो हम लोग देख चुके हैं आप लोग सब कितने काम करते हैं, लोगों की कितनी सुरक्षा के बारे में आप लोग सोचते हैं, लेकिन ये जो टीम, क्योंकि ये इंडिया का एक ही टीम है जो दंतेश्वरी महिला टीम है जो माओं को हराने के लिए जंगल में काम करती है, तो ये टीम बना कैसे? सबसे पहले तो क्या होती है, लोगों की सोच होती है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, लड़कियाँ गश्त नहीं जा सकती हैं, लड़कियाँ आर्म्स एमुनेशन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो इसी सोच को हराने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। ये टीम 2019 में इसका गठन किया गया। दंतेश्वरी
माई जी के नाम पे इसका नाम दंतेश्वरी फाइटर्स रखा गया, क्योंकि दंतेवाड़ा शहर ही जो है वो दंतेश्वरी माई जी के नाम पे बसा हुआ है। तो इस टीम को हमने दंतेश्वरी फाइटर्स का नाम दिया। इसमें अलग अलग महिलाएं हैं जो अपने परिवार को भी देख रही हैं, जो अपने समाज को भी देख रही हैं, साथ साथ में नक्सलियों से लोहा लेने का भी काम कर रही हैं वो। तो मैम, हम लोग सोचते हैं कि, और ज़्यादातर के लोग भी सोचते हैं कि महिलाएं इस लाइन में कैसे काम करेंगे। हम महिलाओं को पुलिस में देखे हैं, ये सब में तो जैसे ही काम करके देखे हैं, लेकिन माओवादी जो होते हैं, जो माओइस्ट होते हैं, उनको हराने के लिए जंगल में काम करना और जंगल में पूरा रहना, ये सब जो महिलाएं कैसे गठन कैसे हुआ, और ये जो जैसे टीम बना, पहले कितने थे, अब कितने जो हैं महिलाएं, कितने बढ़ रही है संख्या, कितने बढ़ रही है, और आगे जो अपने खुद में कौन कौन आ रहा है इस लाइन में। इसमें देखिए, जैसे हम अगर माओइस्ट संगठन की बात करें तो महिलाएं तो उस टीम में भी है ना, लेकिन ऐसा होता था कि हमारे फोर्स में सिर्फ पुरुष लड़ते थे, महिलाएं होती नहीं थी। और कई बार जैसे कि अगर हमारे पुलिस फोर्स किसी गांव में जाते थे या जो भी उनके साथ में फायरिंग होता था, एक्सचेंज होता, जो भी होते थे, या उसमें महिलाएँ मारी जाती थी, तो संगठन वाले, गाँव वाले ये ब्लेम करते थे कि मतलब पुलिस वाले ने कुछ इनके साथ गलत किया है, कुछ किया है ऐसे करके। तो ये सब चीज़ को भी डोमिनेट करने के लिए मतलब महिला फोर्स से बहुत महती जरूरत थी। मैडम गोटे बढ़िया जिनस कहते कि जदि माओवादी संगठन रे महिला जड़े रही पारुची ताहले काही कि गोटे एभली एक टीम जो थे माओ को दमन करिवारे महिला माने रही पारिबे नि, निहाती भाबरे गोटे बहुत बड़ कथा से आमको कहते। किंतु एठी अनेक महिला अछंती जो माने जड़े जड़े माँ आउ से माने तांकर जो रही घरे छुआ अछंती से मानको छाड़ी के जंगल रे काम करंती। मैडम बाकी लोगों से भी जब बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि आप प्रेग्नेंट थे और तभी मतलब आप वहाँ पे काम करती थी जंगल में। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं अपने अधिकारी तक इस बात को नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, और मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रही था, तो मैं इसलिए कोई अधिकारी को सूचना देना उचित नहीं समझी, और मुझे गट्स था कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो मैंने ड्यूटी लगातार ऑपरेशन में रही। तो मैम जैसे कि कभी सोचे नहीं कि प्रेग्नेंट हूँ, दर्द होगा, काम कैसे करूँगी, ये सोच कभी मन में नहीं आया है? नहीं, मुझे ये सोच कभी मन में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ पूरे मेरी टीम बैठी है और हम एक टीम गठन होकर जाते हैं और एक दूसरे का सबका ख्याल रखते हैं, तो मेरे साथ भी मेरी पूरी महिला टीम थी, तो मुझे अगर तकलीफ होता तो मैं कमांडर में लीड करती हूँ महिलाओं को, तो मुझे किसी प्रकार का दुख दर्द होता तो मेरी टीम है मेरे साथ में, तो हेल्प हो जाता था। सच में ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। लेकिन मैम और एक बात, जैसे कि घर से आप काम करने जाते हैं तो घर परिवार को कैसे संभालते हैं? जी, मेरे दो बच्चे हैं मैम, मेरी बेटी अभी 1 साल की है, जिस मुझे 6 महीने की प्रसूति अवकाश मिलती है, तो मैंने प्रसूति अवकाश काटी, उसके बाद मैंने और 3 महीने और ली, मतलब बेबी उसके लिए ली थी, तो और उसके बाद मैंने फिर ऑपरेशन ज्वाइनिंग किया, क्योंकि मुझे जुनून है कुछ करने का, तो और करने का, देश की रक्षा करने का, हम निकलेंगे घर से तभी हमारे परिवार अच्छे से रहेंगे। हमारी भावना ये है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा पढ़ाई करता है, मेरी बेटी 1 साल की है, और हस्बैंड भी जॉब में है, नगर सेना कार्यालय में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, घर से बाहर जब मैं निकलती हूँ ड्यूटी की, यही सोच के निकलती हूँ कि मैं निकल रही हूँ तो मेरा देश सुरक्षित है या मेरे परिवार सुरक्षित है। सुनिए ना, मैडम को कथा सुनुले सतरे तांको कथा सुनिले मते भी गर्व लागुची। से 7 मासर गर्भवती जेते बेले थिले सेही समय रे भी जंगल भितरे से काम करूथले, आउ सबुटु खुशी लागुची गोटे महिला घर परिवार सह देशर सुरक्षा पई भी से चिंता करूची। ऑपरेशन में जब जाते हैं कितना टाइम ऑपरेशन में जाते हैं, कितना टाइम वहां पे रुकना पड़ता है, घर परिवार का याद नहीं आता है आप लोगों को? आता है मैडम, जैसे 1-2 दिन के लिए हम लोग बाहर चले जाते हैं ड्यूटी, फिर वापस आके, फिर मेरे भी एक लड़का है तो मैं भी बाहर जाती हूँ, आने के बाद पूरा काम काज करना पड़ता है, ड्यूटी को देखना पड़, सारी चीज़ देखना पड़ रहा है मैडम। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस कैसे रहा, और आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन कैसे किए, आपको कोई इंस्पायर किया ज्वाइन किए या ऐसे ही आके ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन कैसे किए? हम लोग अपने मन से किए हैं। अच्छा, मतलब मन में ऐसे क्यों आया कि हाँ मुझे दंतेश्वरी जो महिला टीम है जो माओवादी संगठन को हराने के लिए काम करता है उस वहाँ पे मुझे जाना है, ऐसे क्यों मन में क्यों आया ऐसे? मतलब ऐसे हम लोग पुलिस में जाएंगे और माओवादियों को मार गिराएंगे, ऐसी सोच के हम लोग। अच्छा, ऐसे सोच मतलब बचपन से ही था या बाद में आया है ये? बचपन से ही था।
आपका नाम मतलब शुभ नाम क्या है? नाम पुलोमर का बोल रही हूँ। पुलोमर का जी। अच्छा, पुलों में क्या मतलब सबके मन में अलग अलग, यहाँ पे जितने भी हैं आप महिलाएं हैं जो काम करते हैं दंतेश्वरी फाइटर में, कि सबका अलग अलग सोच होता है, मैं इसीलिए इस लाइन में हूँ, इसीलिए काम करती हूँ, तो आपके मन में क्या सोच है, किस लिए आप ये मतलब जैसे कि लड़कियाँ इस लाइन में काम करेंगे लोग सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं, आप वैसे माओ दमन करने के लिए, माओ को हराने के लिए इस दंतेश्वरी फाइटर में क्यों ज्वाइन क्यों किए? तो मेरे छोटी बहन को भी मार दिए मुठभेर वजह से, पुलिस की सूचना देती है बोल के दो मोबाइल जब्त किए थे, उसके बाद भी छुपा छुपा के सलाह रहती पूरा पता करके मार दिए उसको। अच्छा। तो मेरे को भी मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, दो तीन मीटिंग हुआ तो मैं घर से उधर सुकमा जाके बच गई हूँ, मजदूरी काम करती थी उस वहाँ, तो मैं भी बदला लेने जाऊंगी, मैं भी बदला लेने जाऊंगी बोल के मैं यहाँ DRG में आने के बाद मम्मी पापा को भी मार पीट करके भगा दिया और घर का सामान वामान पूरा जब्त किए। ये देखो तो पुलो मार्कम जे दंतेश्वरी महिला फाइटर रे काम करती, तांको जीवन रो कहानी से कहीं कि ए फाइटर टीम रे जॉइन करचंती, एमिति अनेक कहानी अछि, सब कहानी हमें सुनिबा। मैम आप क्यों इस लाइन में आए, इस लाइन में क्यों भर्ती हुए? जैसे कि घर वाले सोचते हैं कि लड़कियां हैं घर से बाहर निकलेंगे, फिर आपका तो बात ही कुछ अलग है कि दंतेश्वरी फाइटर टीम नाम सुनते ही लोगों का कांपना शुरू हो जाता है, तो आप क्यों इस लाइन में आए? अच्छा लगता था, हम सभी जाते हैं गश्त महिलाएं भी बोल के, तो इसलिए आए, सबको देख के अच्छा लगा। तो भर्ती कब हुए थे? 2017 में भर्ती हुआ। ये जो है इसका नाम क्या है और इसको कैसे चलाते कैसे हैं, कि वहाँ पे जैसे आप चला रहे थे मैं देख के ही सोच रही थी कि मैं ये पूछूंगी ये कैसे चलाते हैं क्या चलाते हैं, इसका नाम क्या है? पहले तो हम लोग मतलब पुलिस बनना चाहते थे अपने शौकीन से अपने मन से आए हैं और घर वाले की मर्जी है, ठीक है फोर्स में चले जाओ आ गए हैं, तो ये हम लोग को चलाने के लिए दिया गया इसका मतलब ये बम कहाँ पे गड़ा है एक इसका लोकेशन बताने का ये होता है। तो मैम आप जब भर्ती हुए कैसे भर्ती हुए और घर वाले क्या सोचते हैं, आप भी शादीशुदा हैं और घर में और कौन कौन है? घर में मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पति बाहर रहते हैं, तो मेरे बहन के साथ मेरे बच्चे रहते हैं और मैं आप समय चले जाती हूँ। जब आप घर से निकलते हैं ऐसे यूनिफॉर्म में बच्चे क्या बोलते हैं उस टाइम में? बोलते हैं माँ आप नक्सली से लड़ने जा रहे हो। तो जब आप गांव-गांव जाते हैं गांव-गांव घूमते हैं तभी बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए स्कूल जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा नक्सलाइट एरिया है? हाँ गाँव में जाते हैं तो पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह चॉकलेट वगैरह सब लेके जाते हैं। अच्छा। और बच्चे को भी देते हैं तो उनको भी हम लोग समझाते जब हैं। जब आप घर से निकलते हैं जब बाहर निकलते हैं तो इस यूनिफॉर्म में बच्चे देख के आपके बच्चे देख के क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं आज आप समझा रहे हैं माँ गाँव मतलब सिटी एरिया ड्यूटी नहीं आपका आज जंगल में है तो हम बता के जाते हैं जंगल में है फोन मत करें। नारी तो सेमिति रे भी सशक्त आउ तांख कथा सुनले नारी केते निर्भर आत्मनिर्भरशील एटु ही जणा पड़ी जाउची आउ तांकर मुहर से गोटिए पद कथा जदि बम फाटी भी जाउची जंगल भितरे मु देश पई शहीद हि जीवी सतरे ए कथा गुडी को सुनले लोम गुडी को टांकुरी होई उठुची। आम सहित सुनैना मैडम भी अच्छा जी सकाल आम देखुले जो वर्कआउट करुले टीम को लीड करुले आते दंतेश्वरी फाइटर को से पूरा पूरी केमती वर्कआउट करोले योगा करोले सहित भी टी आलोचना करवा कथबार्ता हे मैम आप इस लाइन में क्यों आए हैं? हम तो सबके कहानी सुन ले आप क्यों आए हैं? मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा गाँव है बारसूर जहाँ माँ दंतेश्वरी की आराधना माँ छोटी बहन है वहाँ के, मैं वही उसी गांव से हूँ। मैम बचपन से ही मुझे स्कूल जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी से मुझे वर्दी का मतलब दूर से ही देखते थे, मैं पहले गांव में हम लोग रहते थे तो डर लगता था तो डर वर्दी को देख के ही हम छुप जाते थे कि पुलिस वाले आ गए तो हम लोग को भी बहुत डर लगता था। फिर धीरे धीरे मैम जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं कब वर्दी पहनूं और मैं भी इनकी तरह ड्यूटी करूं गांव में जाऊं सभी के साथ मिलूं सभी को देख के मुझे बहुत खुशी होता था और एक सपना था मैम कि मुझे पुलिस बनना था। तो ये सपना पूरा हो गया जी मैम, ये सपना पूरा हो गया मैम। हम लोग 2016-17 बैच में सीधी भर्ती में आए मैम और हमारे साथ यहाँ महिला दंतेश्वरी फाइटर्स में आत्मसमर्पित महिलाएं भी बहुत हैं मैम हमारे यहाँ दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ हमारे साथ गश्त पे निकलती हैं और यहाँ पूरी बैठे हैं मैम महिला आत्मसमर्पित महिलाएं हैं। हाँ तो उनसे थोड़ा हमको मिलाई बात करवाई जितने लोग हो सिलेंडर केडर किस पर आ जाइए
देखुले ये गोटे कथा शुणुले सुनैना मैडम को मुहरु एटि एमती भी महिला अच्छा जो मैंने पूर्वर माओवादी सहित मिसिकी कम करुले आवर्ती समय से मैंने सरेंडर करी दंतेश्वरी फाइटर रे माओवादी को हरवाई कम कर महिला आम सहित अच्छा सतरे एम को देखिले गर्व लगुच सहित आलोचना करने पखापाखी आठ रु दस जन महिला अच्छा जो मैंने पूर्वर पुलिस को मारवापी लोक मारे आग को आसी जाते से माने माओवादी को हरवाई एवं देशर सुरक्षापी सबुठ आगे अच्छा। आपका नाम क्या है और पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं? मैम मेरा नाम सुंदरी इस्तम है। मैं पहले 15 साल की थी तब मेरे को नक्सलवादी संगठन में उठा के ले गए। अच्छा। तो मैं कम से कम 10 साल माओवादी काम कर सके। मैम सबसे पहले गांव में बच्चे लोगों को संगठित बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे किसी को गाना चौक रहता है, किसी को बंदूक पकड़ना चौक रहता है, ऐसे अपना मन से। तो आपका शौक क्या था, मतलब क्या सुन के आप चले गए? मैम मैं छोटी सी थी, बहुत गाना गाती थी तो मेरे को अपने से उठा। तब जब भर्ती हुए आपका उम्र कितनी थी और भर्ती होने के बाद अपना लाइफ स्टाइल जंगल में कैसा रहा और घर वाले ऐसे छोड़ दिए कि आप जाओ वहाँ पे मिलो उन लोगों के साथ, ऐसे कभी हुआ? क्यों छोड़े? नहीं मैम मैं तो बचपन में छोटी छोटी बच्चे लोगों के साथ खेला करती थी, तभी मेरे को उठा के ले गए मेरे मम्मी पापा लोगों को बिना बताए। तो एक दो साल के बाद ला देंगे बोल के ले गए, बाद में घर में नहीं छोड़े। तो मैं बढ़ते बढ़ते सैतान नाट्य मंच CNM डिवीजन CNM में एक दो साल काम की, उसके बाद फिर बटालियन डॉक्टर सिम सदस्य ऐसी नंबर थी वहाँ पे। बटालियन जाने के बाद मेरे को एक सपना का आंध्रा वाली तेलुगु वाली लेडीज को मैं गनमैन करती थी। अच्छा, आप वहाँ पे मतलब शूट भी कर दिए थे, मतलब पुलिस वाले को भी शूट किए हैं? बहुत दो तीन चार घटना भी मिली थी मैम, मैं खुद ही घायल हो गई थी। अच्छा, तो कितने लोगों को आप वहाँ जब संगठन में थे, माओ संगठन में थे, क्या क्या काम करते थे, कैसे काम होते थे? मैम बहुत परेशानी रहता है महिला लोगों को, तो बरसात या गर्मी कपड़ा लत्ता बराबर नहीं मिलता है, खाने पीने का ये सब बहुत परेशानी रहता है। बाद में मैं बढ़ते बढ़ते मेरे को दिमाग में थोड़ा समझ में आया तो मैं ये गलत रास्ता में आई हूँ, तो मेरा मम्मी पापा लोग भी ख़त्म हो गए, उसके बाद मैं घर वापस आने का मौका नहीं मिला। तो मैं सोची मैं घर जाऊंगी बोल के अपने दिमाग में सोची, बोल नहीं पाई किसी को नहीं बताई। फिर 2012 लास्ट में मैं बटालियन को छोड़ के घर आ गई। तो आप बोल रहे थे कि मम्मी पापा नहीं है, जब घर आए तो घर में कौन कौन थे? मेरे भैया आए। अच्छा, तो मम्मी पापा का देहांत कब हो गया इसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं? नहीं पता। तो कैसा मतलब कैसा लगता है ये सब, जब जब आप शांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, जब सोचते हैं तो उस टाइम में क्या सोचते हैं? बहुत याद आता है। क्या सोचते हैं? मतलब मेरे को जन्म किए उनको एक एक दिन पानी या खाना उनको सामने, मतलब मैं अब तक नहीं थी ना। अच्छा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। घर में रहती तो मम्मी पापा लोगों के साथ रहती तो मैं ऐसे मतलब इधर उधर नहीं भटकती। नक्सली कम से कम 10 साल करने के बाद भी उन लोग ख़त्म होने के बाद भी मेरे को अगर घर भेजे रहते तो कम से कम शहर देखने का मिलता। जब वहाँ पे आप माओ संगठन में थे वो लाइफ सबसे अच्छा था और या ये बेहतर है? ये बेहतर है मैम। क्यों ये बेहतर क्यों है? अभी तो हम लोग बचपन से लेकर हम लोग अंधेरे में जैसे जंगल घूमते थे, यहाँ आने के बाद हम लोग शहर घूमे और सब जान के साथ बाजार मार्केट सब ये देखने का मिलता है, उजेले हम लोग एक अच्छा रास्ता अपना लिया। ये सुनुले सुंदरी का कथा आउटिक आपको जीवा मैडम को पचारे। मैडम आपका नाम क्या है, आप कैसे आप भी सरेंडर कर चुके हैं और अभी देश के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए आप काम करते हैं, क्या कैसे क्या था लाइफ जर्नी क्या था? मैं पहले नक्सली में थे, 2019 में भर्ती किए नक्सली में थे कि 2016 में सरेंडर की मैं। अच्छा। जी मैम हम तो सुंदरी जी की बात सुन रहे थे कि वो गाने का शौक था, वो सोचे कि गाना गाऊंगी वहाँ पे जाऊंगी,
ऐसा सोच के चली गई, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही घटना घटी उनके साथ। आपके साथ ऐसे क्या हुआ था, आप क्यों चले गए थे उन लोगों के साथ? जी मैं वहाँ जाके मैं भी नाचेंगे वहाँ शायद उन लोग की बचपन से सिखाई थी पार्टी में आओ यहाँ से घर में नहीं रहना है बोल के घर में आके वो बता दिए। मैं सोच के ठीक है मैं भी जाके मैं भी लड़ाई करूँगी बोल के जाऊँगी। वहाँ पे कैसा लाइफ होता है जब जंगल जंगल भटकते रहते होते हैं, ठिकाना नहीं होता है, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, कुछ नहीं होता है, तब वहाँ पे कैसा क्या होता है? जी कि क्यों उधर हम लोग मैं उधर जाके मेरे को पता है कि यहाँ खाने पीने का नहीं है, कपड़ा लाता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है उधर। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी इधर अच्छा है सिलेंडर पीने के बाद। अच्छा जीवन चल रहा है। मैम आपका नाम क्या है और आप क्यों चले गए थे? सब तो अपने अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आप क्यों चले गए थे? मेरा नाम काराम सुशीला है। पहले तो नक्सली काम किए थे, 4 साल काम किए थे, उसके बाद सिलेंडरी किए थे 2019 में। अच्छा नक्सल के साथ 4 साल काम किए हैं, क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? और नक्सली में प्लाटून रहे थे। हाँ प्लाटून में आप क्या करते थे वहाँ पे? प्लाटून थे क्या काम करते क्या पुलिस कहाँ कहाँ रास्ता में आए थे आम्बुस करते, पुलिस आने बाद फायरिंग, यही सब काम किए थे। अच्छा। नक्सल में दोनों सलेंट किए। तो दोनों मतलब कौन कौन, आप और मेरा पति? अच्छा दोनों माओवादी टीम में काम करते? दोनों काम किए एक ही टीम में। अच्छा शादी कहाँ पे हुई? शादी वही नक्सल में शादी किए थे। अच्छा नक्सल में शादी हुई थी? हाँ जी। अच्छा कैसा शादी हुआ था वहाँ पे? नक्सल में कैसे प्यार हो गया? प्यार करके शादी, हाथ मिला करके शादी किए। हाथ मिला के शादी, चलो अब सही लग रहा है कि यहाँ पे दोनों सरेंडर करके एक साथ खुशी के जीवन बिता रहे हैं। अब कैसा फील हो रहा है? ये अच्छा लग रहा है। देखुले भौणी मान कथा, एम समस्ते पूर्व माओवादी मान संगठन में रही काम करुले और समस्त अलग अलग कहानी रही, किए नाची नाची माओवादी मान सहित मिसी जा तो आउ किए गीत को भल पाला माओवादी मान गीत शुणी माओवादी टीम मिसी जा कितु परवर्त समय मनरे पर आसी और बर्तमान से मैंने महिला दंतेश्वरी टीम फाइटर टीम काम करओवादी मान दमन कर सतरे एम पर देखे लाखुची एमाने देश पाई किछि करि जिबे और देश पाई निजर जीवन को दे देबे। जेतेबेले पूर्वरु सेमाने माओवादी मानक सहित मिसी माओवादी मानक सहित शहीद हे जिवु बोली भावुथिले, एबे किंतु परिवर्तन घटिछि। एमाने कहउछन्ती एबे जदि मरिबु ए देश पाई मरिबु, ए माटी मा पाई मरिबु। सतरे एमानकर ए साहसिकता को मोर सहे सलाम। बहुत सीरियस कथा हो गले, एबे टिके चिल करिबा कथा हेबा तांकर अलग अलग कौन सब एक्टिविटीज रही, अलग एक्टिविटीज माने एंटरटेनमेंट पार्ट रे कौन करती जेतेबेले समाने खाली समय रे बसी थांती ऑपरेशन न थाए केमती निजो को रिलैक्स करती, ए सब विषय भी कथा हेबा आउ आम ओडिशा विषय भी तांको किछि कहिबा आउ तांको छत्तीसगढ़ विषय भी जानिबा, तांकर परंपरा तांकर कल्चर विषय भी जानिबा। मैम आपको पता है ओडिशा के बारे में कुछ आइडिया है? ओडिशा के बारे में कुछ जानते हैं? हमारे वहाँ पे तो दो ही फेमस चीज़ है, एक है प्रभु जगन्नाथ और दूसरा है बासी पखाल। अब यहाँ पे खाते हैं कि नहीं खाते? यहाँ भी खाते हैं बासी, ऐसा बासी पखाल खाते हैं। तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और मैम यहाँ पे जो बाकी सब है, जब रिलैक्स करते रहते हैं, जब ऑपरेशन नहीं होता है, थोड़ा बैठे हुए रहते हैं, तो क्या क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट क्या क्या करते हैं? सुंदरी जी तो मेरे पास बैठ चुके हैं पहले से, डफली लेके बैठ चुके हैं, तो उनको तो डफली बजाना आता ही होगा। तो मैम थोड़ा बजा के दिखाएंगे क्या गाना गाते थे, कैसे क्या होता है, थोड़ा बजा के दिखाएंगे। I'm not gonna let you go.
गाना तो समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा, मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन गाने का बोल थोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये जो म्यूजिक के साथ तो ये पूरा बेस्ट ही था। तो ये कौन सा लैंग्वेज का गाना मतलब था, और क्यों ये गाने का मतलब क्या है, मतलब थोड़ा बता सकते हैं? मतलब गांव में माओवादी लोग जाते हैं, बच्चे लोगों को जमा करते हैं, बच्चे लोगों को जमा करके मतलब उनका दिमाग को खुशी करने के लिए ऐसे गाना बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये उसका रिवर्स गाना है, उसका मतलब उल्टा गाना है। अच्छा, तो मैम ये कौन सा लैंग्वेज था, ये मतलब कौन सा भाषा था ये? गोंडी भाषा। अच्छा, ये गोंडी भाषा का एक गाना है। बहुत ही अच्छा लगा आपको ये गाना सुन के, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखुले गुंडी भाषार गोटे गीत जहाँ कि मु बुझीपार नी, किंतु गीतर जहाँ बोल रही, जहाँ सुंदरी मैडम कहते माओवादी मैंने जितेबाला आसती गाँ भर को लो, जो छोट छोट छुआ मैंने अच्छा एंटरटेनमेंट करने गीत गाँव, किंतु ये जो गीतटी गाते तार उल्टा गीत गाते पुलिस विभाग लोके गीत गाँव लोक बुझाती, गाँ मानक जा सचेतनता कार्यक्रम कर एंटरटेनमेंट आहुरी बढ़ुची। आम सहित आउ एक टीम अच्छा ट्रुप अच्छा, से कौन परफॉर्मेंस करेंगे मुझे एक्साइटेड अच्छी जानापी। थोड़ा शुरू करते हैं, क्या है आपका गाना, क्या है क्या है, चलो शुरू करते हैं फिर। तमाम ही टीम सहित रहिला मत भी मन होने समस्ते जड़े जड़े दुर्गा काली सरस्वती समस्त रूप, कारण इन घर जो भाव में लक्ष्मी भाई सजेक रखिंट घरे जो भाव में कम कर दुर्गा काली हुई देशर सुरक्षा भी एमने सेमती कर सतरे एम को देखी पूरा गर्व अनुभव हो। मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप गाँव में माओ दमन के लिए जितना भी काम कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन गांव गांव जाके फिर आप लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे काम करेंगे, कैसे घर में रहेंगे, कैसे शिक्षा को अपनाएंगे, ये सब भी आप समझा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूरे टीम को आप इतने समय दिए, हमारे टीम को भी, तो पूरे टीम को हम सब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैम ये लक्ष्मी जी का एक प्रतिमूर्ति है हमारे अर्गस टीम की तरफ से आप लोगों के लिए, पूरा टीम को सबको थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगी जय हिंद, जय हिंद। तांकर जो पारंपरिक नृत्य रही, पारंपरिक नृत्य रे आमर अध्याय को शेष करिबा, आउ आमर जो अर्गस रो स्वतंत्र कार्यक्रम रही शहीद सलाम रो, ये हूँ शेष पर्याय, एवं यही शेष पर्याय ये हूँ शेष नृत्य। तो समस्त को आम परिवार तरफ रु अर्गस परिवार आउ यही दंतेश्वरी टीम पक्षरु स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना।